अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। क्यों नहीं हो रहा वैसे अपना, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है ना। आप अपने फॉरेन, आज वो डॉक्टर मित्तल साहब कहते हैं 2.4 अरब डॉलर आपको चाइना के मिलेंगे, तो आप नहीं, मैं आ रहा हूँ, देखें 12 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। 12 अरब डॉलर से मसला हल नहीं होता। इंडिया का है 650 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है ना। इंडिया की अगर आप हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो देर 7 times द साइज और पॉपुलेशन, तो हमारा अराउंड होना चाहिए था तकरीबन, चलो 70-80 बिलियन डॉलर तो होना ही चाहिए था, ठीक है ना। अगर आपका 70-80 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ना आपको IMF के पास जाना है, ठीक है ना, ना आपको क्या कहते हैं जो है वो, अगर आप इतनी सेविंग कर सकते हैं, ना आपको ये जो बार बार हर चौथे दिन ये क्या कहते हैं ऊपर नीचे आपका स्लंप आ रहा था, वो फिर जो है ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्या कहते हैं कि अगर हमें, अगर हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम ये बूम टू बस वाले साइकिल में फंसे रहेंगे। तकरीबन कोई 70-80 रुपए की डिवेल्यूएशन है, आपकी GDP उस तरह ग्रो नहीं की, तो आपका ओवरऑल डॉलर टर्म्स में तो आप जैसे मर्जी घुमा लें आपका GDP का साइज तो श्रिंक ही होगा, जो मर्जी आप कर लें। ग्रोथ जिसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो वो भी ठीक नहीं होती, क्योंकि आवाम जो है वो रुल जाते हैं। जब आप 11.3% आपकी इन्फ्लेशन होगी तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी। जब आपके जो लीडर हैं उनके अपने बिजनेसेस हैं, मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर या एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, मेरी अपनी स्टील मिल है जो कि प्रॉफिट में जा रही है और गवर्नमेंट की स्टील मिल खसारे में जा रही है, देयर इज अ समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन। तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आपके बकौल नहीं था ना, तो फिर क्यों खसारा हुआ? देखिए ना, देखिए सुन, एक मिनट, अब खसारे को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, खसारे को दो हिस्सों में डिवाइड कर ले। आपने कहा कि 13 अरब रुपए है, 13.5 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, ठीक है। उस लिहाज से आप ये देख लें कि आप इसको डिवाइड कर लें मार्च तक, ठीक है, बल्कि आप इसको कर लें फरवरी तक कर लें। क्यों नहीं, मैं बताता हूं ना, मैंने अप्रैल तक इसलिए ना करें, इसलिए ना करें कि नहीं, सो होल्ड ऑन, मिड फरवरी ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ मार्च, दिस वाज अ रियली अनसर्टेन टाइम के जिसमें हर एक को पता था क्या हो रहा है, बट एट द सेम टाइम नथिंग वॉज हैपनिंग, सो इट वॉज लाइक अ पीरियड जिसमें आपको पता होता है एक किस्म का ब्रेक है, कुछ चीजें, हर एक ने अपना पैसा रोक लिया, हर एक चीज हो गया, उससे लेके उससे पहले का देख लें और उसके बाद का डिवाइड करके देख। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर पॉलिसी सही होती, अगर बीच में ये टुच ना मारी जाती, ठीक है ना, तो हम इससे बेहतर हालत में होते हैं। हम इससे बेहतर हालत सर जी, वो कह रहे हैं कि अगर इनको पूरा मतलब अगस्त 2023 तक काम करने दिया जाता तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट और जो ये तजारती खसारा, इसको ये कम कर लेते, ऐसा ही है ना सर? आप यही exactly. जनाब देखें, मतलब सिर्फ कहने से तो वो कम नहीं होने से ना, मतलब आपकी कोई आपको स्ट्रेटजी नजर ही नहीं आई। अगर कोई स्ट्रेटजी है तो वो बताएं। देखें, मैं एक बुनियादी बात जो है वो समझाने के लिए आवाम को भी, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2018 में गई है तब पाकिस्तान का GDP था 312 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। आज वो जो है, आज 4 साल बाद, इनकी 4 साल की हुकूमत के बाद, वो है 281 बिलियन डॉलर। सुकड़ गया। नहीं, उसकी रीबेसिंग हो गई, अब तो मेरे ख्याल में 384 बिलियन डॉलर हो गए। अब जो GDP जो रीबेसिंग की है ना इकोनॉमी की, अच्छा, तो उसकी वजह से भी ये जो ग्रोथ फिगर इसी ज्यादा आई है, इसी वजह से भी आ रही है। रीबेसिंग लोगों को सब सादा अल्फाज में रीबेसिंग से मुराद क्या? देखिए, रीबेसिंग जो इकोनॉमी, जो आपका GDP जो होता है, वो तो आपकी उस साल के अंदर जो आपकी जितनी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और जितनी अच्छा। आपकी प्रोडक्टिविटी होती है उसकी एक वैल्यू निकालते हैं ना। okay. तो इससे पहले जो रीबेसिंग का ईयर था वो पुराना था, अब उसको चेंज करके 2015-16 कर दिया गया है। okay. जिसकी वजह से जो तमाम फिगर्स हैं अब वो चेंज हो गए हैं, तो वो उसमें एक चेंज आई है रीबेसिंग की वजह से। ये बात ऐड करता हूं, मैंने ये नंबर 4-5 जगहों पर चेक, रीबेसिंग से पहले बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो कम था। मैं रीबेसिंग के बाद भी मैंने ये 4-5, देखिए उसकी वजह, उसकी एक लॉजिकल वजह है। 383 बिलियन डॉलर का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी 10-15% के ऊपर ग्रो करे पिछले 4 साल, तब आप 383 बिलियन डॉलर पे जाते हैं। ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, कहते एक साल की रीबेसिंग की वजह से 100 रुपये, तकरीबन 100 नहीं, तकरीबन कोई 70-80 रुपये की डिवेल्यूएशन है, आपकी GDP उस तरह ग्रो नहीं की, तो आपका ओवरऑल डॉलर टर्म्स में तो आप जैसे मर्जी घुमा लें आपका GDP का साइज तो श्रिंक ही होगा, जो मर्जी आप कर लें। फिर बात यह है कि जो PSDP है वो इन्होंने तकरीबन 1000 बिलियन का था, जो इन्होंने स्लैश करके 500 बिलियन का कर दिया, ठीक है ना। जो प्राइमरीली जो जिस चीज़ ने इनकी ग्रोथ को लीड किया है वो है इम्पोर्ट्स जो है, दैट वेंट फ्रॉम 43 बिलियन to 77 बिलियन डॉलर्स, ठीक है ना, उसकी वजह से इनका। और फिर दूसरा जो है, ज़ाहिर है इन्होंने जो डेट है वो ऑलमोस्ट, अगर पिछले 4 साल का देखा जाए तो 22,000 बिलियन पे इनको डेट दिया था, 44,000 पे लेके। तो अब बात ये है कि देखिए, जब भी कभी कोई काम करना होता है तो अगर आप उसकी
प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन सही तरह करेंगे ना, तो आप उसको हल तक की तरफ जाएंगे। हल तक, अगर आप कहेंगे कि जी बिजनेस जो है वो लीडरों के होंगे, आपके सारे लोगों के बिजनेसेस हैं, मुझे नाम बताएं मैं उसका बिजनेस बताऊं। रजाक दाऊद साहब, इनके रजाक दाऊद साहब को मेमन डैम का ठेका दिया है इन्होंने, मतलब कि ये अनडिनाइबल डेस्कॉन को दिया, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। फिर आप वज़रा को उठाते जाएं, क्या कहते हैं कौन कौन से वज़रा के कहाँ कहाँ किधर किधर कारोबार है, उनके पहले क्या हालात थे, उनके हुकूमत के बाद क्या हालात है, तो ये बातें करना जो ये आप अगेन जो नॉट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब कल जो बजट आ रहा है तो आपके पास ये अब एक इकोनॉमिक सर्वे आया है ना 2020 साल का, अब तो मैं चाहूंगा लोग इंटरेस्टेड है इसमें सुनने में कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि ब्लेम गेम में पड़ गए तो लंबी निकल जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि हमें रुपए का स्टेबलाइज करना है। क्यों नहीं हो रहा वैसे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है ना। आप अपने आज वो डॉक्टर मित्तल साहब कहते हैं 2.4 अरब डॉलर आपको चाइना के मिलेंगे, तो आप नहीं, मैं आ रहा हूँ, देखें 12 अरब डॉलर पे चले जाएंगे। 12 अरब डॉलर से मसला हल नहीं होता। इंडिया का है 650 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है ना। इंडिया की अगर आप हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो देर 7 times द साइज और पॉपुलेशन, तो हमारा अराउंड होना चाहिए था तकरीबन, चलो 70-80 बिलियन डॉलर तो होना ही चाहिए था, ठीक है ना। अगर आपका 70-80 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, आपको IMF के पास जाना है, ठीक है ना, ना आपको क्या कहते हैं जो है वो, अगर आप इतनी सेविंग कर सकते हैं ना, आपको ये जो बार बार हर चौथे दिन ये क्या कहते हैं ऊपर नीचे आपका स्लंप आ रहा था वो, फिर जो है ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्या कहते हैं कि अगर हमें, अगर हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम ये बूम टू बस वाले साइकिल में फंसे रहेंगे। और आपके दौर में भी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी हमारे दौर में जो है वो, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमने कुछ फंडामेंटल चेंजेस ऐसे किए थे जिसकी वजह से IT सेक्टर जो है उसके अंदर काफी जो है वो आपने ग्रोथ देखी। तो ये पैसा जो है जो इस्तेकाम IMF से मुआहदे के बाद इसमें आएगा, क्योंकि आज भी डॉक्टर मित्तल साहब कहते हैं कि बजट के बाद उनकी पहली तरजीह होगी कि उसका क्लोजर करें ना, जो मुआहदा होना है IMF के साथ। नहीं, वो पेट्रोलियम कीमतें तो आपने बढ़ा दी जी, देखिए जो है चाइना से भी आएंगे पैसे, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया से, फिर हमारे एक और दोस्त मुल्क है उसने तकरीबन 5 बिलियन डॉलर का कहा। UAE ने, नहीं मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्या कहते हैं और कौन सा वो खुद ही अनाउंस करेंगे कपड़े खरीद रहे हैं। टर्की, कतर मैंने नहीं कहा, कामरान साहब मैंने नहीं कहा, तो ठीक है, कह देते हैं इतनी परेशानी की क्या बात है, तो उसी खबर की तरह की चीज है जो ग्रोथ जिसके अंदर इन्फ्लेशन बहुत हाई हो वो भी ठीक नहीं होती, क्योंकि आवाम जो है वो रुल जाते हैं। जब आप 11.3% आपकी इन्फ्लेशन होगी तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी, तो ये हम नए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो ये हैं कि अगर हम अपने बिजनेसमैन को, प्राइवेट सेक्टर को एक्सपोर्ट बाहर करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे, और वो एक्सपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद हो। अगर आप तेल या गैस या इंपोर्ट करके उसमें उतने पैसे ले रहे हैं जितने आप घुमा रहे हैं, तो उसमें इतना कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये कि हमारा, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना IT आपका शोबा है, जो मेरा शोबा है, और ये 3G 4G PMLN ने किया था, इसके अंदर मेरी भी थी, क्या कहते हैं, काफ़ी इनपुट, और उसकी अब देना इनपुट दोबारा। 20 मिलियन डॉलर भी एक्सपोर्ट नहीं थी आपको पता है 2015-16 में पाकिस्तान की, अब कितनी, आज मेरे ख्याल 3.5 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई है।